इस कहानी का पूरा फोकस कैंग इनगो नाम के आदमी पर किया जाता है, जिसका जन्म 1968 की वियतनाम जंग के समय हुआ था, जब उसके पिता वहां से जंग जीतकर घर लौटे थे। उस समय कैंग की मां की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से कैंग के पिता बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी, जिसके कारण उन्होंने ट्रक ड्राइवर की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जुटाने के लिए उन्हें ओवरटाइम करना पड़ता था, और इसी ओवरटाइम की थकान की वजह से कैंग के पिता का ट्रक एक्सीडेंट हो चुका था, और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण अब घर की सारी जिम्मेदारी कैंग के ऊपर आ चुकी थी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को पालने के लिए किसी बार में काम करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान कैंग ने अपनी गर्लफ्रेंड हेजिन से शादी कर ली थी। हेजिन एक लौती ऐसी लड़की थी जिसने कैंग के बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। अब धीरे धीरे कैंग के घर की फाइनेंशियल हालत ठीक हो रही थी। कैंग के छोटे भाई बहन पढ़ लिख कर सेटल हो चुके थे। कैंग ने भी अपने परिवार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उसका एक बेटा और एक बेटी है। कैंग के बेटा पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, और उसकी बेटी स्पोर्ट्स में काफी आगे थी, जिसकी वजह से कैंग अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहता था। मौजूदा समय में कैंग ने अपना खुद का एक बार खरीद लिया था। इसके अलावा वो उससे पहले ऑटो रिपेयरिंग का काम भी सीख चुका था। कैंग ने अपने बार के बिजनेस की वजह से अपना खुद का नया घर खरीद लिया था। हालांकि इतना सब कुछ कैंग के लिए काफी नहीं था, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। इसी दौरान एक दिन कैंग की उसके बचपन के दोस्त पार्क इंगजू से मुलाकात होती है। कैंग की तरह पार्क भी अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश नहीं था, जिसके कारण वो कैंग को कोरिया में स्केट मछली का बिजनेस खोलने का आइडिया देता है, क्योंकि सूरीनाम एक ऐसा देश था जहाँ पर स्केट मछली के दाम काफी कम थे, और कोरिया में इस मछली की डिमांड काफी ज्यादा थी, जिसके कारण वो इस धंधे से काफी मुनाफा कमा सकते थे। उस समय कैंग को अपने दोस्त पार्क का आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके कारण वो किसी तरह से अपनी पत्नी को सूरीनाम जाने के लिए मना लेता है। और अब कैंग और पार्क सूरीनाम आ चुके थे, लेकिन तभी उन दोनों का सामना वहां के मिलिट्री ऑफिसर से हो जाता है, जो कि कैंग को इस बिजनेस को जारी रखने के बदले में पैसों की डिमांड करते हैं, जिसके कारण कैंग उन ऑफिसर के साथ पैसों की डील करता है, ताकि आगे जाकर कोई भी उनके धंधे में कोई रुकावट ना ला सके। उस समय कैंग के किसी कस्टमर से कई सारे स्केट मछलियों की डिमांड आ रही थी, जिसके कारण कैंग और पार्क के ऊपर काम को पूरा करने का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। दूसरी तरफ चेंजन नाम का आदमी अपने लोकल गैंग के साथ मिलकर कैंग और पार्क को काफी बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि वो कैंग को इस धंधे को चालू रखने के लिए 5,000 प्रति महीने के रेंट की मांग कर रहा था, और उस समय कैंग ने उसे रेंट देने से मना कर दिया था। लेकिन अब जेन की सच्चाई जानने के बाद कैंग को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद जेन उसकी जान भी ले सकता था। खैर, अब इस झमेले से निकलने के बाद कैंग और पार्क उस शहर के किसी चर्च पर जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो हर संडे वहां के चर्च में जाएगा, और प्रूफ के लिए वो अपनी बीवी को चर्च की पिक्चर्स भेज देता है। उस समय जियोन नाम का पैस्टर उस चर्च में अपनी स्पीच दे रहा था। कैंग और पार्क उसकी स्पीच सुने बिना ही वहां से जा रहे थे, और पास्टर जियोन ने उन दोनों को नोटिस कर लिया था, जिसके कारण वो उन दोनों को रोककर सबके सामने अपना परिचय देने के लिए कहता है। और अब वो दोनों सबके सामने अपने स्केट मछली के धंधे के बारे में बताते हैं, जिसके बाद पैस्टर जियोन उन दोनों को अपने घर लेकर चला जाता है। उस समय जियोन उन दोनों के परेशान चेहरों को देखकर समझ चुका था कि वो दोनों किसी मुसीबत में हैं, जिसके कारण कैंग जियोन को जेन के बारे में सब कुछ बता देता है। तो जियोन कैंग से कहता है कि जेन एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, जो कि पैसों के लिए लोगों की जान तक ले सकता है, जिसके कारण पैस्टर जियोन कैंग और उसके दोस्तों की मदद करने का फैसला करता है। अब जियोन अपने आदमियों के साथ जेन से मिलने चाइना टाउन की तरफ जाता है, क्योंकि उस समय जेन का चाइना टाउन के ऊपर पूरा कंट्रोल था। तो जियोन वहां जाकर जेन को चेतावनी देता है कि वो कैंग के धंधे से दूर रहे। उस समय जेन को जियोन की बात माननी पड़ती है, क्योंकि सूरीनाम में जियोन के फॉलोअर्स हर जगह फैले हुए थे, जिसके कारण जियोन को चैलेंज करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। खैर, अब इस सब के बाद कैंग को लग रहा था कि उसकी मुसीबत टल चुकी है, जिसके कारण वो अपने धंधे को फिर से जारी रखता है। लेकिन तभी कैंग को उसके किसी सप्लायर की कॉल आती है, जिसका कहना था कि उसके
स्केट मछलियों में कोकेन पाया गया था, जिसके कारण उसके सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कैंग यह सुनकर काफी शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसे इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं था। तो कैंग इस मुसीबत से निकलने के लिए पैस्टर जियोन को कॉल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सूर्य नाम की पुलिस कैंग को पकड़ने के लिए उसके घर आ चुकी थी, तो कैंग उन्हें देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनसे बचकर नहीं भाग पाता, जिसके कारण ड्रग ट्रैफिकिंग के अपराध में कैंग को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाता है। उस समय कैंग की पत्नी उसे लेकर काफी परेशान थी, लेकिन कैंग उसे झूठी तसल्ली देते हुए शांत कर देता है। दूसरी तरफ कोई अनजान सा आदमी कैंग से मिलने आया था, जो कि उस समय पुलिस के सामने कैंग के दोस्त होने का दिखावा कर रहा था। तो उस आदमी का नाम चोई चैंग हु होता है, जो कि उस समय नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एजेंट था। तो वो कैंग से कहता है कि उसे इस जेल में फंसाने वाला पैस्टर जियोन ही था। इसके अलावा जियोन के आदमियों ने कैंग के दोस्त पार्क को भी जान से मार दिया था, जिसके कारण कैंग इस खबर को सुनकर काफी ज्यादा टूट चुका था। जिसके बाद चोई कैंग को जियोन के पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। ये बात 18 साल पहले की थी, जब जियोन अपने आदमियों के साथ कोरिया में ड्रग्स का धंधा किया करता था, लेकिन उस समय पुलिस और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के कारण जियोन सूरीनाम नाम के छोटे से देश में इस बिजनेस को एक्सपेंड करने का फैसला करता है, और सूरीनाम जाने से पहले ही जियोन कोरिया में अपने पैस्टर के काम से काफी मशहूर हो चुका था, जिसकी वजह से उसे सूरीनाम में लोगों को बेवकूफ बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा था। और इसके अलावा उसने सूरीनाम के जनरल और प्रेसिडेंट के साथ भी दोस्ती कर ली थी, जिसके कारण जियोन सूरीनाम का सबसे बड़ा ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका था, जिसे पकड़ना NIS के लिए काफी जरूरी था। लेकिन वो डायरेक्टली जियोन को नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि उस समय कोरिया और सूरीनाम की कोई भी ऑफिशियल ट्रीटी साइन नहीं थी। उस समय अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो DEA के जरिए जोन को पकड़ सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए जियोन को अमेरिका में ड्रग स्मगल करने होंगे, तभी अमेरिका जियोन के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। जिसके कारण अब एजेंट चोई कैंग को वो काम करने के लिए कहता है, क्योंकि वो पहले भी जियोन से मिल चुका था। तो इस काम को करने के बदले में जियोन अपने परिवार के लिए 500 मिलियन वॉन्स की डिमांड करता है। एजेंट चोई को जियोन की इस जील को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन उस समय कैंग के लिए जियोन को दोबारा मिलना काफी मुश्किल था, जिसके कारण वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग कैंग सबसे पहले चाइना टाउन के मेथ डिस्ट्रीब्यूटर चेन जेन से मिलने जाता है, और उसके सामने कोकेन डील का ऑफर रखता है। उस समय कोकेन का मेन डिस्ट्रीब्यूशन जियोन के पास था, और कैंग अच्छी तरह से जानता था कि वो जेन के जरिए ही जियोन से दोबारा मिल सकता है। उस समय कैंग ने जेन को कोकेन डील का काफी बड़ा लालच दिया था, जिसके कारण जेन किसी भी कीमत पर कैंग के साथ इस बिजनेस को करना चाहता था। दूसरी तरफ जियोन को भी इसके बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से उसने अपने आदमियों को जेन के इलाके में भेज दिया था, क्योंकि समझौते के अनुसार सूरीनाम में सिर्फ जियोन ही कोकेन का बिजनेस कर सकता था, जिसके कारण वो लोग कैंग को लेकर जियोन के पास चले जाते हैं। उस समय जियोन कैंग से बार बार पूछ रहा था कि वो किस मकसद से सूरीनाम में वापिस आया है, क्योंकि जियोन को कैंग के ऊपर पूरा पूरा शक था। कैंग काफी कॉन्फिडेंटली जियोन के सामने अपनी बातें रख रहा था, जिसकी वजह से जियोन उसकी बातों में आ जाता है, और अब वो एजेंट चोई से जियोन की बात करवाता है। तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग उस समय एजेंट चोई जियोन के सामने ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर होने का नाटक कर रहा था, ताकि वो जियोन को अपने जाल में फंसा सके। लेकिन जियोन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, क्योंकि उसने एजेंट चोई को सूरीनाम में मिलने के लिए इनवाइट किया था। उस समय एजेंट चोई जानता था कि उसे जियोन का भरोसा जीतने के लिए वहां पर जाना होगा, जिसके कारण अब उसने अपने पूरे हुलिये को बदल लिया था। उस समय एयरपोर्ट की मुलाकात के दौरान उसने सबको अपना नाम गु सैंग वू बताया था, जो कि उसकी फेक आइडेंटिटी है। जिसके बाद एजेंट चोई की पहली बार जियोन से आमने सामने मुलाकात होती है। एजेंट चोई जियोन से लगभग 1 टन कोकेन की डील करना चाहता था,
उस समय उन सब की बातचीत के दौरान जियोन का आदमी उसे एजेंट चॉय के बारे में कुछ बता रहा था। उस समय जियोन को एजेंट चॉय पर शक होता है क्योंकि चॉय के पासपोर्ट चेकिंग के दौरान उसे पता चलता है कि वो पहले भी सूरीनाम आ चुका था और वो आखिरी बार यूएस एम्बेसी में रुका था। तो अब एजेंट चॉय और कैंग जियोन के आदमियों के बीच में फंस चुके थे। चॉय जियोन से कहता है कि वो यूएस एम्बेसी में डॉगलस हार्पर नाम के ऑफिसर से मिलने आया था क्योंकि वो ऑफिसर उसी का आदमी था और वो उससे सूरीनाम में कोकेन के बारे में पता लगाने के लिए 2 साल पहले यहाँ पर आया था। उस समय जियोन को चॉय की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था लेकिन वो अभी के लिए उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने आदमी डेविड को डॉगलस हार्पर के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। उस समय कैंग और एजेंट चॉय इस मुसीबत से निकलने के बारे में सोच रहे थे। एजेंट चॉय का कहना था कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डॉगलस हार्पर रियल में एग्जिस्ट करता है और वो पहले यूएस एम्बेसी में भी काम कर चुका था, जिसके कारण दूसरी तरफ डेविड को उस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके अनुसार जो कुछ भी एजेंट चॉय ने जॉय से कहा था वो सब सच था और अब जियोन उन दोनों के साथ कोकेन डील करने के लिए तैयार हो चुका था। तो जियोन उन दोनों के सामने 2 टन की कोकेन सप्लाई का प्रस्ताव रखता है और इस काम के लिए उसे 30 दिन चाहिए थे। दूसरी तरफ कैंग को पता चल चुका था कि उसे इस जमेले के पीछे फंसाने में NIS का हाथ था, जिसके कारण कैंग एजेंट चॉय पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसने अपने काम के लिए उसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा कैंग जियोन के कहने पर उसकी टेरिटरी में ही रुका हुआ था। इसी दौरान उसे जियोन की एक और घिनौनी सच्चाई के बारे में पता चलता है क्योंकि उस समय जियोन के फॉलोवर्स एक बच्ची को किसी बंद कमरे में ले जाकर काफी पीट रहे थे और वहां के सभी बच्चों को जबरदस्ती कोकेन ड्रिंक का सेवन करवाया जा रहा था। कैंग उस समय पीछे से यह सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर एजेंट चॉय को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद कैंग चैन जैन से मिलने उसके इलाके की तरफ जाता है क्योंकि वो बार बार उसे फोन पर धमकियां दे रहा था। उस समय जैन के आदमी कैंग को काफी बुरी तरह से पीटते हैं और अब जैन कैंग को मगरमच्छों के बीच में फेंकने की धमकी देता है क्योंकि उसने जियोन के साथ बिजनेस कर उसके साथ विश्वासघात किया था। लेकिन तभी कैंग अपने बचाव में जैन से कहता है कि मैं जियोन से नफरत करता हूँ और मैं अभी सही समय का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं उसकी जान ले सकूँ। तो उस समय जैन कैंग की बातों में आकर उसे जिंदा छोड़ देता है, जिसके बाद कैंग जियोन के पास उससे मिलने जाता है। उस समय कैंग की चोटें देखकर जियोन इसके बारे में उससे पूछताछ करता है। कैंग जियोन से कहता है कि उसका बार में किसी से झगड़ा हो चुका था जिसकी वजह से उसे छोटी मोटी चोटें आई हैं। उस समय जियोन कैंग को अपने बेसमेंट में लेकर चला जाता है जहाँ पर कैंग देखता है कि उसका कोकेन का माल आ चुका था। तो कैंग तुरंत कोकेन की तस्वीर को एजेंट चॉय को बेच देता है। उस समय एजेंट चॉय और उसकी टीम अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे क्योंकि जियोन उसके बिछाए जाल में फंस चुका था, जिसके बाद NIS जियोन के अकाउंट में कुछ एडवांस पैसे बेच देते हैं ताकि उसे उन पर शक ना हो सके। तो NIS के प्लान के अकॉर्डिंग जियोन अपना माल ब्राजील बॉर्डर में पहुंचाएगा, जिसके बाद वहां की पुलिस उनके माल को जब्त कर लेगी और उस सब के बाद कैंग और एजेंट चॉय जियोन को प्यूटोरिको में अपना माल भेजने के लिए कहेंगे। प्यूटोरिको US टेरिटरी में आने के कारण DEA जियोन के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो वहां पर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था क्योंकि उस माल को ब्राजील बॉर्डर में ले जाने से पहले वहां की मिलिट्री ऑफिसर ने उन्हें कोकेन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन तभी जियोन के कुछ आदमी पीछे से उन ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण मिलिट्री और जियोन के आदमियों के बीच में गोलीबारी हो जाती है। इस गोलीबारी के दौरान जियोन के कई आदमी मारे जाते हैं। उस समय कैंग भी वहां पर मौजूद था और उसे भी वहां पर एक गोली लग चुकी थी, लेकिन वो सही समय पर कोकेन के माल की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। उस समय जियोन अपने माल की गाड़ी को वापिस आता देखकर सब कुछ समझ चुका था। मिलिट्री के इस हमले में जियोन का काफी नुकसान हुआ था और इसके अलावा जियोन के सभी यूरोपियन बैंक खाते फ्रीज हो चुके थे। उस समय जियोन को शक हो रहा था कि कोई तो उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। उस समय कैंग वहां पर आग में घी डालने का काम कर रहा था क्योंकि
वो इनडायरेक्टली डेविड के ऊपर इस सब का ब्लेम डाल देता है, क्योंकि माल को सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की थी। हालांकि उस समय जियोन के लिए एकदम से फैसला लेना काफी मुश्किल था, और वो उस समय कैंग के ऊपर भी शक नहीं कर सकता था, क्योंकि कैंग ने अपनी जान पर खेलकर जियोन के बचे हुए माल को बचाया था। जिसके बाद अगले दिन जियोन कैंग को सूरीनाम के प्रेसिडेंट से मिलवाने लेकर चला जाता है, क्योंकि उस समय जियोन की प्रेसिडेंट के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, और उस समय सूरीनाम की आधी से ज्यादा इकोनॉमी जियोन के बिजनेस से ही चलती थी, जिसके कारण जियोन को वहाँ के प्रेसिडेंट का पूरा सपोर्ट था, और अब जियोन कैंग पर विश्वास करने लग चुका था, जिसके कारण जियोन कैंग को अपने सीक्रेट कोकेन प्लांट में लेकर चला जाता है। तो वो जगह मिलिट्री जोन के पास थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जियोन का प्लान कुछ बड़ा करने का था, क्योंकि वो अपने बिजनेस को कोरिया तक लाना चाहता था। इसके अलावा उस समय जियोन कैंग को उसके साथ आगे काम करने का ऑफर देता है। उसका कहना था कि अगर वो कामयाब हुए तो वो उसे यहाँ का डायरेक्टर जनरल बना सकता है, और वो दोनों आगे जाकर काफी पैसे कमा सकते हैं। उस समय एजेंट चॉई उन दोनों की बातें सुन रहा था, क्योंकि NIS ने कैंग के फोन को टैप किया था, और कैंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस समय जियोन कैंग से कहता है कि वो सैंगवू को इसके बारे में बता सकता है, क्योंकि वो कोरिया में माल पहुंचाने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहता है। एजेंट चॉई कैंग से कहता है कि उसे अपना आखिरी पत्ता फेंकना होगा, लेकिन कैंग का मानना था कि ऐसा करना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि जियोन ने उस पर भरोसा करना शुरू ही किया है। दूसरी तरफ एजेंट चॉई DEA के साथ इस मिशन के बारे में डिस्कस कर रहा था, क्योंकि अभी तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जिसके बाद कैंग एजेंट चॉई की जियोन से बात करवाता है। तो जियोन उस समय कोरिया में दाखिल होने के नए रास्ते के बारे में पूछ रहा था, तो चॉई उन्हें अपना सामान प्यूर्टो रिको में भेजने के लिए कहता है, लेकिन तभी जियोन का आदमी उसे बताता है कि प्यूर्टो रिको US टेरिटरी में आती है। लेकिन तभी चॉई जियोन को कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्यूर्टो रिको और अमेरिका दोनों अलग अलग देश हैं। हालांकि उस समय जियोन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो उसे नया रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। और अब एजेंट चॉई का प्लान खराब हो चुका था, क्योंकि जियोन प्यूर्टो रिको में माल भेजने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसके कारण जियोन अपने दुश्मन जेन से मिलने चाइना टाउन चला जाता है, ताकि वो जियोन के यूरोप कॉन्टैक्ट्स की मदद से कोकेन बेच सके। उस समय जियोन ने उसे काफी पैसों का ऑफर दिया था, लेकिन जेन जियोन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, जबकि अगर तुमने कोकेन नहीं बेचा तो कैली कार्टल के आदमी तुम्हें जान से मार डालेंगे, और तब सूरीनाम में मेरा राज होगा। लेकिन तभी जियोन जेन से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी सूरीनाम के राष्ट्रपति और जनरल तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप इस डील को एक्सेप्ट कर लो। जिसके कारण जेन अभी के लिए जियोन की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ एजेंट चॉय कैंग को इस मिशन को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब इस काम में काफी खतरा बन चुका था। लेकिन कैंग अब इस मिशन को बीच में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने ऐसा किया तो जियोन अपने आदमियों को कोरिया में बेचकर उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। एजेंट चॉय कैंग से कहता है कि उसे किसी भी तरह से जेन और जियोन की कोकेन डील को रोकना होगा। जिसके बाद कैंग जियोन से प्यूर्टो रिको के बारे में बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जियोन किसी भी कीमत पर US से पंगा नहीं लेना चाहता था, जिसके कारण जियोन जेन के साथ डील करने का फैसला करता है। और अब कैंग जेन से मिलने उसके इलाके में जाता है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें जियोन के साथ डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम उसे मारकर सूरीनाम के कोकेन बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो, और इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो उसे जियोन के सीक्रेट कोकेन प्लांट की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि अगर हमने उसे अपने रास्ते से हटाया तो उसका सारा साम्राज्य हमारा हो सकता है, और मैं सूरीनाम के प्रेसिडेंट से भी मिल चुका हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जियोन को मारने के बाद प्रेसिडेंट भी हमारे साथ होंगे। दूसरी तरफ एजेंट चॉई कैंग के सामने कन्फेस करता है कि वो सब उसका फोन टैप कर रहे थे। इसके अलावा उस समय कैंग की नजर जियोन की आदमियों पर पड़ती है, तो कैंग जेन को उनके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तो वो लोग अपना माल लेकर चाइना टाउन की तरफ पहुंच रहे थे, लेकिन तभी जेन अपने आदमियों के साथ उन सब के ऊपर गोलियों से हमला कर देता है। इस हमले में जियोन के कई सारे आदमी मारे जाते हैं, जिसके कारण जियोन को अपना माल छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। और अब जेन ने उसके कोकेन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद
बाद जियोन अपने सभी आदमियों को एक जगह इकट्ठा करता है क्योंकि उनमें से किसी एक आदमी ने जेन के साथ मिलकर जियोन के साथ विश्वासघात किया था। उस समय जियोन के आदमियों का शक कैंग पर जा रहा था, लेकिन तभी जियोन डेविड को शूट कर देता है क्योंकि तलाशी के दौरान जियोन को डेविड के बैग में एक फोन मिला था जिस पर उसने आखिरी बार जेन को कॉल की थी। हालांकि अभी भी जियोन को कैंग पर शक था, लेकिन वो फिर भी उसे वहां से जाने देता है, जिसके बाद कैंग एजेंट चोई को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। उस समय पैस्टर के आदमी कैंग का पीछा कर रहे थे। कैंग और जेन की कॉल के दौरान जेन का कहना था कि कोकेन उसके पास महफूस है और वो किसी जगह पर छिपा हुआ है क्योंकि पैस्टर जियोन के आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इसी दौरान जियोन का आदमी कैंग को एजेंट चोई से बात करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो आदमी एनआईएस का सीक्रेट एजेंट था जिसका नाम एजेंट किम होता है। किम कई सालों से जियोन का आदमी बनकर उस पर नजर रख रहा था, जिसके बाद एजेंट किम कैंग को कहता है कि हमें काफी सावधानी से अपना अगला कदम रखना होगा क्योंकि जियोन को उस पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ जियोन प्रेसिडेंट से मिलने उनके घर जाता है तो वो उनसे मिलिट्री सपोर्ट मांग रहा था ताकि वो चेंजन की गैंग का चाइना डाउन में सफाया कर सके, लेकिन उस समय प्रेसिडेंट का मानना था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शायद इससे उसकी चाइनीज वोट पर असर पड़ सकता है। लेकिन तभी जियोन प्रेसिडेंट को इस बात का भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेगा कि उसकी चाइनीज वोट पर कोई असर ना हो, जिसके कारण प्रेसिडेंट चाइना टाउन में अपनी आर्मी भेज देता है। तो अब वहां की आर्मी ने चाइना टाउन पहुंचकर जेन की गैंग का सफाया कर दिया था। दूसरी तरफ जेन किसी जगह पर छुपा हुआ था। इसी दौरान कैंग जेन को कॉल कर उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है ताकि वो उसे बाहर निकालने में उसकी मदद कर सके, लेकिन उस समय जेन के साथ एजेंट किम भी मौजूद था जिसने जेन को देखते ही शूट कर दिया था, जिसके कारण अब कैम ने एक बार फिर से जियोन का भरोसा जीत लिया था क्योंकि उसका माल उसे वापस मिल चुका था और अब जियोन अपने माल को प्यूटो रिको भेजने का फैसला करता है, जिसके कारण जियोन एजेंट चोई को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है कि वो 3 घंटे तक कोकेन को प्यूटो रिको तक पहुंचा सकता है, बस तुम्हें पैसे लेकर प्यूटो रिको के एयरपोर्ट में तैयार रहना होगा। अब अगले दिन जियोन अपने कोकेन को प्यूटो रिको में पहुंचाने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ एजेंट चोई ने डीईए को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि अब कैंग किसी भी समय कोकेन लेकर वहां पर आने वाला था, लेकिन तभी जियोन अपने प्लान को चेंज करते हुए कैंग को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और उसकी जगह अपने आदमी ली को भेज देता है क्योंकि उस समय जियोन को कहीं ना कहीं कैंग पर शक हो रहा था। तो कैंग इस सब के बारे में एजेंट चोई को इन्फॉर्म कर देता है। उस समय किम कैंग को तुरंत वहां से भागकर यूएस एम्बेसी में जाने के लिए कहता है क्योंकि अब उसके लिए वहां रहना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन कैंग अब अपने मिशन को पूरा करना चाहता था, जिसके कारण वो चुपके से जियोन की कार की कीज चुरा कर उसकी कार को खराब कर देता है ताकि डीईए के आने के बाद जियोन वहां से बचकर ना भाग सके। दूसरी तरफ एजेंट चोई और डीईए ने मिस्टर ली को प्यूटो रिको पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया था और अब सबूत के तौर पर डीईए को उनके प्लेन में कोकेन मिल जाते हैं, जिसके कारण अब वो जियोन के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते थे। दूसरी तरफ जियोन अपने आदमी की कॉल का इंतजार कर रहा था तो अब उसे उन पर शक हो रहा था क्योंकि उस समय मिस्टर ली उसका फोन नहीं उठा रहा था, तो ली उस समय पुलिस की हिरासत में था। उस समय एक ऑफिसर ली से कहता है कि अगर तुम जियोन को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं, जिसके कारण उस समय ली फोन पर जियोन से झूठ कहता है कि उसका माल सही सलामत प्यूटो रिको पहुंच चुका है। हालांकि जियोन को अभी भी कैंग पर शक था, जिसके कारण वो उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ डीईए सुरेनाम की तरफ आ चुकी थी, जिसके कारण प्रेसिडेंट इसके बारे में जियोन को इन्फॉर्म कर देता है और अब जियोन को कैंग की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, जिसके कारण वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किम पीछे से जियोन के ऊपर गन तान देता है। डीईए की आर्मी वहां पहुंचकर जियोन के आदमियों के ऊपर गोलियां चला देती है। जियोन अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान कैंग अपनी गाड़ी से जियोन का पीछा करता है क्योंकि वो जियोन को किसी भी कीमत पर भागने नहीं देना चाहता था, जिसके चलते कैंग जियोन को अपनी बोट में चढ़ने से रोकता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए डीईए के एजेंट सही समय पर वहां पहुंचकर जियोन को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस समय जियोन की एक बार फिर से एज
एजेंट जॉय से मुलाकात होती है, जिसके कारण वो समझ चुका था कि कैंग ने एजेंट जॉय के साथ मिलकर उसके खिलाफ जाल बिछाया था जिसमें वो फंस चुका है। और अब एपिसोड की एंडिंग में कैंग खुशी खुशी अपने परिवार से मिलता है और फैसला करता है कि वो आज के बाद कभी भी अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएगा, जिसके बाद इस सीरीज को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। तो यह थी दोस्तों नार्को सन्स के सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन।